दिल्ली का जुगाड़ बाई स्किल चिकन तंदूरी। दिल्ली कहकर एक गांव था, उस गांव में चमन और दामू कहकर दो भाई मिलकर चिकन बेचा करते थे। कुछ दिन सभी सही से चलने के बाद दोनों के बीच में झगड़ा आने के वजह से वे दोनों अलग हो गए थे। तब चमन क्रिएटिविटी से चिकन बेचना है सोचकर उसका दोस्त गिरी के मदद से बाई स्किल व्हील चिकन तंदूरी का सेटअप तैयार किया। उसको चिकन भी कम दाम में मिलने के वजह से वो भी बहुत कम दाम में लोगों के लिए तंदूरी चिकन देता था। उससे थोड़े ही दिन में चमन बहुत मशहूर बन गया। एक दिन चमन शॉप को एमएलए उनका अनुगामियों के साथ आया था। उनसे चमन, नमस्ते एमएलए साहब, आइए आइए, कितने तंदूरी पार्सल करना है बताइए, पूछा। तब एमएलए, चिकन लेकर क्या करना है मुझे, ये मेरा लोग कुत्ते जैसे खा जाते हैं, पैसे दिए तो बचा कर रखूंगा, दे दो इलेक्शंस नजदीक पड़ रहे हैं ना, कहा। तब चमन, पैसे अब के अब पैसे देना है तो बहुत मुश्किल है सर, आप तो जानते हैं ना मेरा तो पूरा रोटेशन का व्यापार है, अगर आपको जल्दी है तो बताइए, मेरा भैया से पूछकर ब्याज पर उधार दिलवाता हूँ, कहा। तब एमएलए, अरे क्या बात कर रहे हो रे, ब्याज पर पैसे उधार देना क्या है रे, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो पार्टी फंड के लिए है, कल तक 50,000 इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारा ये सेटअप शटअप हो जाएगा, कहा। तब चमन, क्यों रे मुझे ही धमकी देते हो, कल परसों को ही मैंने ये तंदूरी का सेटअप लगाया और तुम्हें 50,000 देना है, उड़ के लात मारूंगा तो दूसरे गली में जाकर गिरोगे रे, एमएलए कहकर भी नहीं देखूंगा। कहने से एमएलए के अनुगामियों को बहुत गुस्सा आकर उसका बाइसिकल सेटअप को पूरा तोड़ फोड़ कर चमन को मारकर उधर से चले गए। ये बात जानकर दामू चमन के पास आया। चमन से दामू पूरा जानकारी लिया। तब चमन से दामू, अरे चमन, हम हमारे पत्नियों के वजह से अलग हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी हाथ लगाता है तो मुझे भी दर्द होता है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, देखते हैं उस एमएलए बच्चे को, लेकिन वो बड़ा आदमी है इसलिए उसे छोटे मोटे गांव नहीं पहुंचाना है, एक बड़ा झटका देना है, कहकर चमन बाइसिकल तंदूरी सेटअप को दामू ने ठीक करवाया। अगले दिन तंदूरी सेटअप के पास लोगों को बुलाकर, देखिए लोगों, कल से हमारे चुनाव क्षेत्र में आप सब के लिए मैं और चमन मिलकर एक चैलेंज लगाने वाले हैं। उसका नाम है फुल चिकन तंदूरी चैलेंज। वो क्या है कि आपको एक फुल तंदूरी चिकन देते हैं, अगर आपने खत्म कर लिया तो सुपर, उसके पैसे भरने की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं खत्म किया तो मुर्गी का दाम के ऊपर एक 50 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन हारने वाले इस इलेक्शन में आपका मन जिससे अच्छा आदमी कहता है उसको ही वोट डालना है कहकर आपको वचन देना पड़ेगा, ठीक है ना, कहा। तब सब लोग, हम तैयार हैं, कहकर पुकारे। ये बात जानकर धीरे धीरे से उस क्षेत्र के लोग बहुत सारे आकर उधर बाइसिकल चिकन तंदूरी खाने लगे। उसमें बहुत लोग पूरा मुर्गी को नहीं खत्म करके पैसे देकर जाने लगे। ये बात जानकर अगले दिन एमएलए अपने अनुगामियों के साथ दिल्ली बाइसिकल तंदूरी चिकन के पास आया। उधर लोगों को देखकर उनका लोगों से एमएलए, अरे हमको भी चिकन तंदूरी चैलेंज लगाना चाहिए, उनके पास देखो लोग कैसे इकट्ठा हो रहे हैं, इस चैलेंज को रखकर वो दामो कैसे भी चुनावी में जीत जाएगा लग रहा है, कहा। तब अनुगामी भी हाँ कहे, एमएलए उनको पैसे दिया। अगले दिन एमएलए के अनुगामी चिकन के बदले मटन तंदूरी चैलेंज लगाए। मटन चिकन से भी ज्यादा दाम रहने से और कम मटन मिलने से वे लोग आने वालों को मटन ज्यादा नहीं दे सके, लोग और भी आकर उनके ऊपर गिरने के वजह से वे अनुगामी लोगों को लाठी से मार के उधर से भगा दिए थे। तब लोगों को बहुत गुस्सा आकर उधर से चले गए। ये सब दिमाग में रखकर इलेक्शंस के दिन सारे लोग उस एमएलए और उनका अनुगामियों के ऊपर गुस्सा से दामू को वोट डालकर उसको जीतवाए। तब दामू जीतने के उत्सुक में था तो एमएलए उनका अनुगामियों को डांटने लगा। ये देखकर एमएलए के पास आकर चमन,
बेचारे उनको मत डांटिए एमएलए साहब, मैंने ही चैलेंज के पहले रात को जब आपके लोग पूरे नशे में थे तब मैं ही चिकन के बदले मटन रखने के लिए कहा था, ये नमूने यकीन कर लिए थे। क्या कर सकते हैं, आए लोगों को मटन काफी नहीं होकर उनको ही लाठी से मारे थे। अरे अच्छाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ करके चुनौती में तो जीतना है ना पहले, कहा। तब एमएलए उधर से गुस्सा होकर चला गया। तब से लेकर दामू लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने लगा। और अगर किसी को भी कोई मुश्किल आया तो दिल्ली बाइस्किल तंदूरी चिकन शॉप के पास आकर कहने के लिए कहा। लोग आकर उनका समस्या को चमन से कहने लगे तो चमन उनको दामू से कहकर उनका हल करने लगे।